हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो लास्ट क्लास में हम लोग पीजीबीपी के बारे में बातें कर रहे थे और हमने सेक्शन 28, 29 जो कि चार्जिंग सेक्शन होता है, 28, 29 होता है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी के बारे में भी बातें की थी। और दूसरा जो हमारा पार्ट था विच आर डिडक्शंस जो अलाउड होती है फ्रॉम पीजीबीपी, दैट इज डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम पीजीबीपी सेक्शन 30 से लेकर 37 और एक और सेक्शन 38 भी डिस्कस कर लिया था। आई बिलीव आपको याद होगा, अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो देखिए ये कुछ कंटेंट हैं पीजीबीपी के, हमें आने चाहिए। सबसे पहले सेक्शन 28 से लेकर 44 तक पीजीबीपी में आते हैं, हम अच्छे से ये बात जान गए हैं। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है, बताता है कि कौन कौन से इनकम पीजीबीपी में आती हैं, राइट। 29 इज कंप्यूटेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट आया था हमारा सेक्शन 30 से लेकर 37, डिडक्शंस विच आर अलाउड अंडर पीजीबीपी। जल्दी से दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सेक्शन 30 रेंट रेट्स रिपेयर्स इंश्योरेंस टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, 31 था फर्नीचर और प्लांट मशीनरी की रिपेयर और इंश्योरेंस, 32 था डेप्रिसिएशन के बारे में, और हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देखा था। बट एडिशनल डेप्रिसिएशन डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली एंड ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम, राइट। कितना होता है? 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। 180 डेज से कम यूज हुआ होगा तो 10%, बाकी 10% नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एसएससी को मिलेगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी में जो आप फैक्ट्री में इंस्टॉल करेंगे। अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन देखा था प्रीडेसेसर और सक्सेसर, हम डेप्रिसिएशन को स्प्लिट करते हैं, अपोर्शन करते कर देते हैं एज पर द नंबर ऑफ डेज यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐसा डेप्रिसिएशन जो अब्जॉर्ब ना हो पाए, मतलब क्या होता है इसका कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशेंट नहीं थे तो ऐसा डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब रहेगा। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी, और अगर वो सेट ऑफ ना नहीं हो पाया इससे तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है अनलिमिटेड ईयर्स के लिए। पावर जनरेटिंग के बारे में हमने देखा था, जो पावर जनरेटिंग बिजनेसेस हैं वो लोग SLM मेथड यूज करते हैं, बट अगर उनके पास ऑप्शन है, अगर वो फर्स्ट ईयर में चूज करना चाहें तो WDV मेथड भी चूज कर सकते हैं। अगर वो WDV मेथड चूज करते हैं फिर तो ब्लॉक ऑफ असेट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलता है, बट अगर वो SLM मेथड चूज करते हैं तो फिर इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। SLM के रेट्स क्या होते हैं वो आपको याद नहीं करने होते, अगर एग्जाम में आएगा तो वो गिवन होगा कि SLM के रेट्स आप इस रेट से लगाइए डेप्रिसिएशन, राइट। जो हम रेट्स पढ़ते हैं जैसे प्लांट मशीनरी 15% जनरल रेट होता है, 30 या 40 भी होता है कुछ असेट्स के ऊपर, बिल्डिंग में 10, 5 और 40 भी होता है, वो सब WDV मेथड के रेट्स हैं। सेक्शन 35 हमने साइंटिफिक रिसर्च का देखा था, अगर हमारा कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू या कैपिटल फॉर साइंटिफिक रिसर्च अदर देन लैंड वो हम अलाउ कर देते हैं 100%, और अगर आउटसाइड रिसर्च में भी है तो भी 100% अलाउड हो जाता है। स्टैटिस्टिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च अगर हमने IIT या अदर इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बट आउटसाइड रिसर्च सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में रहेगी, वो न्यू स्कीम में अगर आप डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो आउटसाइड रिसर्च वाला एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलती है, इन हाउस की तो दोनों में मिल जाती है। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, अगेन डिफॉल्ट स्कीम में 35AD की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर SSE ऑप्शनल स्कीम चूज कर रहा है तो 35AD मिल जाएगा। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड के ऊपर नहीं मिलता, गुडविल के ऊपर नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं मिलेगा, राइट। और वो 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 करके मिलेगी, राइट। और एक और चीज आपको याद होगी, जितने एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर उसको हम 1/5 ले सकते हैं। अगर ये कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वगैरह की बातें नहीं दी हो तो मानिएगा कि यही आपकी एलिजिबल डिडक्शन है, बट 1/5 याद रखिएगा। 35DDA VRS अगेन 1/5 डिडक्शन। सेक्शन 36 में हमने काफी सारे एक्सपेंसेस पढ़े थे अदर डिडक्शंस का, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, या फिर बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉइज बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनोवेशन फंड, ठीक है, वो सब अलाउड होता है। बट याद रखिएगा अगर पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो भी अलाउड होता है, बट उसके ऊपर एक इंटरनल लिमिट भी होती है 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट, राइट। बैड डेट्स का खर्चा किया वो अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग अलाउड होता है, बट असेट जब तक पुट टू यूज नहीं होगा वहाँ तक की वैल्यू को आप उस उतना इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, पुट टू यूज वाले के बाद अलाउड होता है, राइट। बट यस, इंटरेस्ट अगर हमने किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC से लिया है तो अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 43B। 43B के बारे में बातें आज हम लोग करेंगे सेक्शन, और 43B में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी है
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके 2024 एग्जामिनेशंस के लिए आ सकती है। सेक्शन 36 अदर डिडक्शन हमने कर लिया। 37 इज जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शंस में मेनली काफ़ी खर्चे यहाँ पर अलाउड हो जाते हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस की कोई लिस्ट नहीं है, सिर्फ कंडीशंस बताई गई हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस 30 से लेकर 36 में कवर्ड नहीं था, अगर वो एक्सपेंस बिजनेस नेचर का है, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर का है एंड इट इज़ नॉट इलीगल, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो 37 में वो एक्सपेंसेस अलाउड हो जाते हैं। 38 था प्रोपोर्शनल डिडक्शन। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जो बिजनेस पर्पज के साथ साथ अदर पर्पज के लिए भी खर्चा किया गया था, तो हम इतना ही एक्सपेंस अलाउ करेंगे जितना बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज प्रोपोर्शनेटली। ओके, तो यहाँ तक हमने मेनली बातें कर ली थी। अब हम आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। अब हम बातें करेंगे डिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड। देखो 30 से लेकर 37 था डिडक्शंस विच आर अलाउड, राइट। अब ये कहते हैं डिडक्शन विच आर नॉट अलाउड, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन जो अलाउड ही नहीं होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सेक्शन डिडक्शन नॉट अलाउड के 40 स्मॉल ए से मैं शुरुआत करूंगा और इस तरीके से हम ये सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। और मिसलेनियस सेक्शन भी हैं, अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो लेक्चर है रिविजन लेक्चर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। क्योंकि यहाँ ये सेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए पहले सबसे पहले मैं 40 स्मॉल ए की बातें करूंगा आपसे। आपके पास ऑलरेडी बुक डाउनलोडेड है जो आपने वेबसाइट से कर ली होगी, और इवन अब मैंने आपके लिए ना MCQs भी डाउनलोड वहां पर अपलोड करने शुरू कर दिए। जैसे आपका डाउनलोड सेक्शन है वेबसाइट पर, उसके बराबर में ही आपको MCQs से रिलेटेड सेक्शन मिलेगा। आप MCQ के सेक्शन पर जाइएगा, सी इंटरमीडिएट क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा जैसे इनकम टैक्स का, वहां पर आप MCQ भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो धीरे धीरे मैं आपको सारी चैप्टर्स की भी अवेलेबल करा दूंगा, अभी एक दो चैप्टर्स के वहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो आप उसको भी अपना साथ साथ उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैंने मेजरली सारे उसमें कंसेप्ट्स क्लियर वहाँ पर कवर किए हैं MCQs में भी। ओके, तो 40 स्मॉल ए की बातें करते हैं सबसे पहले। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, मैंने स्टार भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 40 स्मॉल ए के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमें भी फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, सेकंड पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें 40 स्मॉल ए में कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन केस अगर असेसी आपने कुछ पेमेंट्स की हैं आउटसाइड इंडिया, लाइक इंटरेस्ट आपने पे किया है आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेसिडेंट, या फिर आपने रॉयल्टी पे की है, या फिर आपने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे की है, इनफैक्ट कुछ और भी अमाउंट पे किया है जिस व्यक्ति को आपने पे किया है, ऐसा अमाउंट उस व्यक्ति की इनकम बनती है इंडिया में, यानी कि दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको, और वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में बनती है उसकी, वो नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम के ऊपर। सो इफ यू आर पेइंग एनी अमाउंट विच इज टैक्सेबल इन इंडिया, एंड किसको आप पे कर रहे हो, टू अ नॉन रेसिडेंट और टू आउटसाइड इंडिया, दोनों केस में, या तो आप नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो ऐसा अमाउंट, या फिर आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो, दोनों ही केस में ये वाला पॉइंट हमारा लग जाएगा। तो इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और इवन एनी अदर टैक्सेबल अमाउंट, अगर आप आउटसाइड इंडिया या टू नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके ऊपर TDS डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको TDS डिडक्ट करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपको TDS डिडक्ट करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और सिर्फ डिडक्ट नहीं करना, आपको उसको डिपॉजिट भी कराना पड़ेगा। कब तक डिपॉजिट कराना है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI, जो भी SAC जब आप पे कर रहे हो, तो जो पे कर रहा है उसकी ड्यू डेट क्या है, लेट से 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है, ठीक है। कुछ केसेस में 30 नवंबर भी आती है, बट हमें सी इंटरमीडिएट में 30 नवंबर वाली ड्यू डेट नहीं करनी होती है, वो उनके लिए होती है जिनकी बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के उनके ऊपर प्रोविजन्स लगते हैं, वो अभी आपको नहीं करना है, मेनली 31 जुलाई और 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, सबसे पहले TDS डिडक्ट करना है। TDS डिडक्ट कब करना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है हमारा 23-24 है, यानी कि इस प्रीवियस ईयर में आप TDS डिडक्ट कर लीजिए। अगर आपने इस प्रीवियस ईयर में डिडक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे किया, फॉर एग्जांपल 31 मार्च तक तो अलाउड था, 31 मार्च तक तो आपने कर लिया तो बिल्कुल ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। बट अगर आपने नेक्स्ट डे किया, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को किया, तो इसका मतलब कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, हम वो एक्सपेंस फिर अलाउ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर वो कब अलाउ करेंगे अभी मैं बता देता हूँ, बट सबसे पहले आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, TDS डिडक्ट कीजिए, कब करना है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी कि 31 मार्च 2024 तक डिडक्ट कर लीजिएगा। अगर वो इस ईयर का आपके एक्सपेंस है तो इस ईयर टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए, प्लस जो आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसको डिपॉजिट भी करा दीजिएगा आरओआई की ड्यू डेट तक, जो भी आपकी आरओआई की ड्यू डेट है उससे पहले पहले या उस दिन तक उसको जमा करा दीजिए, राइट। तो अगर आपने ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं एंड है वहां पर, ठीक है, और मैंने इसलिए लगा रखा है कि अगर आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया है तो डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। मैंने ये किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं और सेकेंड नहीं करते हैं, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। कुल मिला के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इफ नो टीडीएस इज डिडक्टेड तो भी हम डिसअलाउ कर देंगे, और अगर टीडीएस डिडक्ट कराया पर डिपॉजिट नहीं कराया तो भी हम डिसअलाउ कर देंगे। इस कंटेक्स में और लगा हुआ है, बट अगर आप इसको दूसरी तरीके से पढ़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ अलाउ कराने के लिए आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, और डिसअलाउ तो ये एकदम हो जाएगा अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लीजिएगा, राइट। कुल मिलाकर बहुत सिंपल सी बात है, टीडीएस डिडक्ट भी करना है ड्यू डेट तक, और सॉरी टीडीएस डिडक्ट करना है प्रीवियस ईयर में, और ड्यू डेट तक इसको डिपॉजिट भी करा दीजिएगा, ठीक है। सच एक्सपेंस शुड नॉट बी अलाउड टू द असेसी इन द प्रीवियस ईयर, तो फिर हम प्रीवियस ईयर में इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कब अलाउ करेंगे सर, अगर फॉर एग्जांपल हमने उसको डिडक्ट किया प्रीवियस ईयर के बाद, इस साल तो जिस प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है उस साल तो अलाउ नहीं करेंगे, बट जिस ईयर में भी फिर ये डिपॉजिट होता है उस ईयर में अलाउ हो जाता है, राइट, फिर उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। या फिर हमने डिपॉजिट कराया इसको ड्यू डेट के बाद, तो फिर हम इस प्रीवियस ईयर में तो अलाउ नहीं कर सकते, इस प्रीवियस ईयर में हम तभी अलाउ करेंगे अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये पीएनएल अकाउंट है एसएससी का, एक्स लिमिटेड का, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, राइट, 23-24 का ये पीएनएल अकाउंट है और इनकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 24, ठीक है, ड्यू डेट ये है, प्रीवियस ईयर ये है। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने इंटरेस्ट पे किया आउटसाइड इंडिया, ये इंटरेस्ट है पेबल आउटसाइड इंडिया, तो आप जानते हैं कि 40(a) ये कहता है कि अगर आप इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया या टू नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं तो 40(a) के प्रोविजंस लग जाते हैं। वो कहते हैं इसका टीडीएस डिडक्ट कर लो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि इस प्रीवियस ईयर में टीडीएस डिडक्ट करो और डिपॉजिट भी करा दीजिए आरओआई की ड्यू डेट तक। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो फिर तो वो इसी प्रीवियस ईयर में हम अलाउ कर देंगे, फिर हम इसी प्रीवियस ईयर में इसको अलाउ कर देंगे। बट अगर कोई भी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी फिर हम इस ईयर में उसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर कब अलाउ करेंगे, जब ये एक्चुअली डिपॉजिट हो जाता है फिर तब अलाउ करते हैं, ओके। अब इसके बारे में दिया गया है कि इसका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है 31 मार्च 24 को, 31 मार्च 24 को मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में तो डिडक्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा देखो क्या डिपॉजिट हुआ है इस डेट तक, तो पता चला डिपॉजिट हुआ है 15 दिसंबर, इस डेट के बाद, तो क्या वो इस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा, द आंसर इज नो, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी, आपकी सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो गई है बिकॉज वो हमारा ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक डिपॉजिट हमने नहीं किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेकेंड कंडीशन ब्रेक है, तो इस ईयर में तो हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर हम कब अलाउ करेंगे, जब वो डिपॉजिट होता है उस ईयर में अलाउ हो जाता है वो, तो ये डिपॉजिट कब हुआ है 15 दिसंबर 24, यानी कि ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, जब वो डिपॉजिट हुआ 24-25 तो वो इस प्रीवियस ईयर में हम एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे, उस साल मिल जाएगा, बट इस साल तो डिसअलाउ करेंगे। तो मेनली आपको जो ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि हम इस साल उसका क्या करेंगे, इस साल तो डिसअलाउड है, राइट। रॉयल्टी पे करी है आपने नॉन रेसिडेंट को, तो इसका क्या करें, 3 लाख की रॉयल्टी है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया पे नहीं करिए, नॉन रेसिडेंट को करिए, कोई बात नहीं सर, नॉन रेसिडेंट हो या आउटसाइड इंडिया हो दोनों में 40(a) के प्रोविजंस लग जाते हैं। इसका देखते हैं कि टीडीएस कब आपने डिडक्ट किया, तो इसका टीडीएस डिडक्ट किया और डिपॉजिट कराया एक ही डेट है 15 अप्रैल 2024 को। देखो आपने डिपॉजिट तो इस दिन तक करा दिया, इससे पहले पहले करा दिया आपने, अगर आप 31 अक्टूबर को भी कराते तो अभी भी ठीक था, आपने उससे पहले डिपॉजिट तो करा दिया, पर क्या डिडक्ट आपने इस प्रीवियस ईयर में किया था या इस प्रीवियस ईयर के बाद किया था? सर ये प्रीवियस ईयर आता है 31 मार्च 24, इसकी लास्ट डेट होती है, आपने उसके बाद डिडक्ट किया, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन 15, यानी कि डिडक्ट भी 15 अप्रैल और डिपॉजिट भी 15 अप्रैल। डिपॉजिट से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर डिडक्ट से प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि डिडक्ट आपने प्रीवियस ईयर के बाद किया, तो फिर क्या वो इस ईयर में अलाउ हो जाएगा? द आंसर इज नो, हम इस ईयर में इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर हम कब अलाउ करते हैं, इस ईयर में तो अलाउ नहीं करेंगे, फिर हम उस साल अलाउ करते हैं जब वो एक्चुअली डिपॉजिट हो गया हो, और वो डिपॉजिट हुआ है 15 अप्रैल 2024 को, 2024 को, दैट इज प्रीवियस ईयर,
24-25 में, तो वो उस साल तो अलाउ हो जाएगा बट इस साल के लिए तो डिसअलाउड है, राइट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अगर आपने आउटसाइड इंडिया एफटीएस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे की है, ओके, इसका देखते हैं क्या टीडीएस डिडक्ट हुआ है 31 मार्च 2024 को, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट हो गया। डिपॉजिट हुआ है 15 अक्टूबर 2024 को, बिल्कुल सही बात है, 31 अक्टूबर या उससे पहले डिपॉजिट भी हो गया, यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पर हम खुश हैं कि वो इस साल हम ये 4 लाख पूरा का पूरा अलाउ कर देंगे, बट ये 5 लाख अलाउ इस साल नहीं होगा, ये 3 लाख अलाउ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने जो मेन क्वेश्चन होगा जब आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करें, प्लीज़ ये 5 लाख को इस साल की जब कंप्यूटेशन कर रहे होंगे तो 5 लाख को ऐड बैक कर दीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर लिख दीजिएगा इट इज़ डिसअलाउड एज टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड या डिपॉजिटेड, ठीक है, जो भी लिखना चाहें, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको सेक्शन याद रहे, क्योंकि 40 स्मॉल एक ऐसा सेक्शन है, जनरली मैं अपनी रेगुलर क्लास में भी इसको इतनी बार रिपीट करता हूँ कि आपको मैं रटवा देता हूँ सेक्शन को याद करा करा के, बट इनकेस अगर आपको ये सेक्शन याद रहे तो 40 स्मॉल 1 कोट कर दीजिएगा, 40 कैपिटल ए मत करना उसको, 40 स्मॉल ए, ठीक है, 40 स्मॉल ए आप कोट कर सकते हैं। बट अगर इनकेस सेक्शन याद नहीं रहे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, अगर नहीं याद रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सेक्शन का नंबर कोट ना करें, सिंपल लिख दीजिएगा टीडीएस प्रोविजंस नॉट फॉलोड, ठीक है। तो इसको 5 लाख को पूरा डिसअलाउ करेंगे, 3 लाख को 100% पूरा डिसअलाउ कर देंगे, 5 लाख को भी और 3 लाख को एड बैक कर देना, ओके। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इनकेस अगर आपने डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, जो डिडक्टर है जो पैसे पे कर रहा है इसको टीडीएस डिडक्ट करना था, ये डिडक्टर है, एक्स लिमिटेड ने फॉर एग्जांपल टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो ठीक है हम डिसअलाउ कर देंगे, बट सामने वाले व्यक्ति ने जिसको ये पैसे मिल रहे हैं उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से फुलफिल किया। उसने कैसे फुलफिल किया इसको, लेट से हमने इसको सामने वाले बंदे को जो नॉन रेसिडेंट था या आउटसाइड इंडिया में बैठे हुए हमने उसको पैसे दे दिए और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, हम बोलेंगे सर आपके लिए खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, बट वो ये अच्छा हुआ कि जो सामने वाला जो रिसीवर है उसने अपना टैक्स डिपॉजिट करा दिया, उसने अपनी रिटर्न में ये शो किया, हाँ ये मेरी इनकम आई है इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, और उसने अपना टैक्स ड्यूली डिपॉजिट भी करा दिया है और अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी है। तो जिस दिन उसने अपनी रिटर्न फाइल की है, सामने वाले व्यक्ति जो रिसीवर है, ठीक है, जिसको हम ये पैसा पे कर रहे थे, अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं, उसने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी और ये सारी इनकम वगैरह अपनी रिटर्न में शो की थी, तो फिर हम ये मानेंगे कि टीडीएस डिडक्ट डीम टू बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, फिर हम मानेंगे कि टीडीएस डीम्ड मान लेंगे कि अब डिपॉजिट हो गया, क्योंकि कुल मिलाकर देखो एंड मोटिव क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड मोटिव है कि उनके पास पैसे आ जाएं, इसके ऊपर जो टैक्स है वो आ जाए। तो अगर हमने वैसे तो सबसे पहले तो हमने प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर के ऊपर लगाई थी कि बॉस जब भी आप इनको पैसा पे करोगे टीडीएस डिडक्ट कर लेना, बट इनकेस फॉर एग्जाम्पल 1% वो नहीं कर पाएगा, बट सामने वाले व्यक्ति ने अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर दिया, ठीक है, उसने अपनी रिटर्न भी फाइल करी, उसने ऐसी इनकम भी अपनी रिटर्न में शो करी, उसने उसका जितना भी टैक्स बनता है उसने डिपॉजिट भी करा दिया और अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी। तो जिस दिन वो अपनी रिटर्न फाइल करता है हम ये मानेंगे कि टीडीएस भी डिपॉजिट हो गया है और फिर हम इसके लिए भी ये अलाउ कर देंगे, तो फिर हम एक्स लिमिटेड के लिए भी अलाउ कर देंगे, ठीक है, जिस व्यक्ति को ये इंटरेस्ट पे कर रहा है उस व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, इफ द डिडक्टर फेल्स टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट टीडीएस, ये जो डिडक्टर है इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की थी बट जो रिसीवर है उसने अपना काम अच्छे से किया। However, the receiver files his ROI and pays tax on such income. Receiver ने अपनी ROI file कर दी, अपना tax वगैरह भी सब pay कर दिया, then it is assumed that TDS, it is assumed, ये deemed मान लिया जाएगा कि boss TDS भी deposit हो गया है और फिर हम X limited के लिए भी allow कर देंगे, ठीक है, किस year में, जिस year में वो ROI file हो गई है तो हम मानेंगे कि deposit भी हो गया है, ओके। तो ये बातें आपकी MCQ के लिए important हो जाती है। ये था फर्स्ट पॉइंट, जब जब हम पे कर रहे थे आउटसाइड इंडिया, ये इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम विच इज टैक्सेबल, जो हम जब हम इसको पे कर रहे थे आउटसाइड इंडिया। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे कोर्स में ऑलरेडी टीडीएस का भी चैप्टर है, ऑल्दो मैंने आपके साथ उसका रिविजन अभी तक नहीं कराया है, वो आगे आएगा, बट फिर भी आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, आपको एक आइडिया होगा, ठीक है, या तो बहुत अच्छे से आपने किया तो बहुत अच्छे से होगा या फिर थोड़ा बहुत कच्चा पक्का तो आपको आइडिया होगा, मैं रिज्यूम करके चलता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि टीडीएस के भी प्रोविजंस होते हैं,
जैसे हम किसी को नॉर्मली इंडिया में ही हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देते हैं तो हमारे पास टीडीएस के प्रोविजन 194C लग जाता है। हम किसी को फॉर एग्जांपल रेंट पे करते हैं तो 194I के भी प्रोविजंस हैं। हम लोग किसी को फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे देते हैं तो 194J इस तरह के प्रोविजंस हैं। यानी कि अगर आप रेजिडेंट को भी पैसे देते हो तो उसके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजंस आते हैं। वहां पर आपको पता है कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप पे कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी होता है रेजिडेंट का भी। तो वही कंसेप्ट यहां पर डिस्कस हुआ है। वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ पेमेंट विद इन इंडिया कर रहे हैं, यानी कि रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, राइट, विद इन इंडिया कर रहे हैं, रेसिडेंट को पे कर रहे हैं, अगर उस पेमेंट के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं, अगर उस पेमेंट के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर उस पेमेंट के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को प्रोफेशनल फीस पे की 30,000 रुपीज से ज्यादा की प्रोफेशनल फीस पे कर दी, तो मुझे बताइए उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अब वो प्रोफेशनल फीस जो आपने पे की है वो 30,000 से कम थी फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस नहीं है। तो ये सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसा अमाउंट पे कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, यानी कि उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना चाहिए प्रीवियस ईयर में और डिपॉजिट भी करा देना चाहिए आरओआई की ड्यू डेट तक, राइट। ये कब आएगा कंसेप्ट, ये यानी कि जो आप पेमेंट कर रहे हो विद इन इंडिया, यहां पर आप विद इन इंडिया पेमेंट कर रहे हो, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो अगर उसके ऊपर, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट, अगर उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लगने थे, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना था और आपने नहीं किया, तब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, टाइम लिमिट वही रहेगी, डिडक्ट करना है प्रीवियस ईयर में, डिपॉजिट करना है आरओआई की ड्यू डेट तक, और अगर आपने दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी फिर तो अच्छी बात है, बट अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की आपने तो हम आपका ये डिसअलाउ करेंगे। कितना आप डिसअलाउ करेंगे, वहां पर तो हम 100% डिसअलाउ कर रहे थे, पूरा का पूरा मैंने कहा था 500,000 को पूरा डिसअलाउ कर दो, 3,00,000 को पूरा डिसअलाउ कर दो, जो आउटसाइड इंडिया वाला कंसेप्ट था। बट ये जो विद इन इंडिया वाला कंसेप्ट है रेसिडेंट को, यहां पर हम 100% डिसअलाउ नहीं करते, 30% डिसअलाउ, राइट। दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, जब आप आउटसाइड इंडिया पे करते हो या नॉन रेसिडेंट को पे करते हो पर आपने अपने टीडीएस वाली प्रोविजंस को ठीक से फॉलो नहीं किया था, तब उस केस में तो हम 100% डिसअलाउ कर देते हैं, क्लियर है ये बातें, उस केस में हम 100% डिसअलाउ कर देते हैं। बट जो पेमेंट आप विद इन इंडिया पे कर रहे हो, ठीक है, विद इन इंडिया कर रहे हो या रेसिडेंट्स को पे कर रहे हो और उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस थे, आपने टीडीएस के कंसेप्ट फॉलो नहीं करे, डिडक्ट नहीं किया या डिपॉजिट नहीं कराया एज द केस में भी, तो हम 30% डिसअलाउ करेंगे, यानी कि 70% अलाउड है, 30% डिसअलाउ करेंगे, ठीक है। तो देन 30% ऑफ सच एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड इन सच प्रीवियस ईयर, ठीक है। और बाकी का जो 30% हमने डिसअलाउ करा है, क्या हम बाद में ही अलाउ हो जाएगा, हाँ अलाउ हो जाएगा, जब कभी भी आप टीडीएस इसका डिपॉजिट कर दोगे उस साल ये अलाउ हो जाएगा, राइट। और सेम कंसेप्ट यहां पर भी है, मान लेते हैं कि आपने तो टीडीएस इसके ऊपर डिडक्ट नहीं किया था बट रिसीवर ने अपनी रिटर्न फाइल करी, रिटर्न में ये दिखाया कि ये मेरी इनकम हुई थी और उसने अपना टैक्स वगैरह ड्यूली डिपॉजिट भी कर दिया, तो जिस दिन वो अपनी रिटर्न फाइल करता है हम मान लेते हैं कि आपका टीडीएस भी डिपॉजिट हो गया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका टीडीएस भी डिपॉजिट कंसेप्ट हो चुका है, क्लियर हो गया, बिल्कुल सेम प्रोविजन से। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। तो 40a में सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, अगर आप आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हैं तो टीडीएस के प्रोविजन से, अगर आप विद इन इंडिया पेमेंट करते हैं रेसिडेंट को और जिसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन से और आपने टीडीएस के प्रोविजन ठीक से फॉलो नहीं करे तो हम 30% डिसअलाउ करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर आप अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर आपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में देखते हैं कि एसएससी ने इनकम टैक्स लिख रखा है, उसने इनकम टैक्स का खर्चा यहां पर लिख रखा है, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का खर्चा लिख रखा है, ठीक है, या पेनल्टी फॉर इनकम टैक्स लिख रखा है, प्लीज वो अलाउ मत करिएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। अगर उसने वहां पर अपना एक्सपेंस लिख रखा है एज इनकम टैक्स पे किया है या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अपना इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया है, प्लीज उसको अलाउ नहीं करिएगा। जीएसटी लिख रखा है, कस्टम ड्यूटी लिख रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स लिख रखे हैं, वो अलाउड होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके ऊपर सेक्शन 43 भी लग जाएगा कि अगर आपने इसका एक्चुअली पेमेंट करा है तब अलाउड होगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। बट अगर आपने इनकम टैक्स लिखा हुआ है और ये भी लिखा हो कि इनकम टैक्स पे भी कर दिया, बॉस इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सरचार्ज वगैरह, पेनल्टी फॉर इनकम टैक्स, ये सब अलाउ नहीं होते, 40a को स्पेसिफिकली डिसअलाउ कर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने
आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट को सैलरी पे की है। सर ये तो आउटसाइड इंडिया और नॉन रेसिडेंट वाला फर्स्ट वाला पॉइंट भी था, बिल्कुल सही। बट वहां पे सैलरी के लिए हमने एक स्पेशल प्रोविजन यहां पर बनाया हुआ है कि अगर आप सैलरी पे करते हैं आउटसाइड इंडिया या टू नॉन रेसिडेंट और आपने इसको TDS डिडक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिपॉजिट कर देना चाहिए ROI की ड्यू डेट तक। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेसिडेंट, डिडक्ट करो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, डिपॉजिट कर दो ROI की ड्यू डेट तक। ठीक है, अगर आपने ऐसा करा है तो इसका मतलब फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अलाउ कर देंगे ऐसी सैलरी। बट इन केस आपने TDS डिडक्ट नहीं करा ऐसी सैलरी के ऊपर जो आप आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो, या फिर डिडक्ट तो किया डिपॉजिट नहीं कराया ROI की ड्यू डेट तक, ठीक है, तो फिर हम वो सैलरी डिसअलाउ करते हैं। कितनी? 30% नहीं, तो आउटसाइड इंडिया जा रही 100% सैलरी वो डिसअलाउ करते हैं, राइट। और अब इस एक स्पेशल, ये यहां पर अलग से हम, मैंने यहां पर क्यों लिखा है क्योंकि इसके ऊपर ये स्पेशल प्रोविजन है, अगर आपने इसका TDS बाद में डिपॉजिट कराया ROI की ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट कराया या डिडक्ट करा फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद, पहले तो हम डिसअलाउ कर देंगे। क्या ये बाद में अलाउ हो जाता है? द आंसर इज नो, ये बाद में भी अलाउ नहीं होता है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट में इसको लॉ मेकर्स ने एक अलग से पॉइंट क्यों बनाया, इसी पॉइंट में क्यों नहीं कवर किया, बिकॉज इस पॉइंट में जब हम आउटसाइड इंडिया पे कर रहे थे पैसे, तो अगर हमने उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना भूल गए थे या डिपॉजिट कराना रह गया था, पर बाद में सब्सिक्वेंटली अगर हमने अपना TDS डिपॉजिट करा दिया तो फिर वो अलाउ हो जाता है। ठीक है, इस साल नहीं हो पाया कोई बात नहीं, किसी और ईयर हो जाएगा। बट सैलरी अगर आउटसाइड इंडिया पे हो रही है, अगर ये एक बार डिसअलाउ हो गई तो फिर ये हमेशा के लिए डिसअलाउ रहती है, उसको आप फिर कभी भी अलाउ नहीं करा सकते। सर अगर हम अपना TDS भी इसके ऊपर सैलरी पर अगर बाद में भी डिपॉजिट करा दें क्या फिर अलाउ हो जाएगा? नहीं जी नहीं, वो अलाउ नहीं होगा, इसीलिए एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, इवन इफ TDS इज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ ROI, डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। समझ रहे हो? ओके, फिफ्थ पॉइंट, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर वेलफेयर फंड अनलेस इफेक्टिव अरेंजमेंट्स आर मेड विद SSC दैट TDS शैल बी डिडक्टेड। अगर आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में, हमें पता है अप्रूव प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव ग्रेचुटी फंड वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूशन करना अलाउड हो जाता है, बट प्लीज मेक श्योर कि जब इसके पैसे SSC को मिलेंगे, जब इसके पैसे SSC को मिलेंगे और अगर इसके ऊपर टैक्स लगना है तो इस पर TDS डिडक्ट हो जाना चाहिए। सो यू हैव टू इंश्योर कि यू हैव मेड सर्टन अरेंजमेंट्स कि जब भी ये पैसा SSC को मिले उसके ऊपर TDS डिडक्ट हो जाए, राइट। तो एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या अदर वेलफेयर फंड अलाउड होता है अनलेस द इफेक्टिव अरेंजमेंट्स आर मेड बाय द SSC दैट TDS शैल बी डिडक्टेड व्हेन पेमेंट इज मेड फ्रॉम सच फंड। जब भी इस फंड से पैसा जाएगा तो उसके ऊपर TDS लग जाएगा, तो यू हैव टू मेक श्योर ये ऐसे अरेंजमेंट्स हो गए। अगर ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं है तो फिर हम कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वगैरह अलाउ नहीं, राइट। और लास्ट वाला, ये बातें हम लोगों ने अपनी सैलरी के चैप्टर में भी की थी जब मैंने आपको टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट के बारे में बताया था। क्या होता था ये? फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है, हम उसको सैलरी देते हैं, लेट्स से 60,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, और हमने उसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दे दिया, हमने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दे दिया। प्लीज बताइए रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ परक्यूजेट, और कैसा है ये? नॉन मॉनेटरी, क्योंकि हमने इन काइंड में दिया, पैसे तो नहीं दे रहे, हमने घर दे दिया उसको रहने के लिए, तो ये कैसा परक्यूजेट है? नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट। नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट किसकी इनकम बनती है? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की मेन ऑब्लिगेशन है, प्राइमरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की है, भैया आपको हम फैसिलिटी दे रहे हैं तो आपकी इनकम बनेगी, आपको अपना टैक्स देना होगा, ठीक है। बट कभी कभी वो एम्प्लॉयर कह देता है चलिए इसके ऊपर टैक्स मैं दे देता हूँ, इसके ऊपर टैक्स भी मैं दे देता हूँ, जिसको हम कहते हैं टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट पेड बाय द एम्प्लॉयर। और हम लोगों ने इसको सैलरी में कैसे पढ़ा था इसका ट्रीटमेंट, कि एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल गई। देखो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ना, अपार्ट फ्रॉम रेंट फ्री अकोमोडेशन, की उस RFA के ऊपर जितना टैक्स बनता है वो भी उसकी कंपनी पे कर रही है, तो एम्प्लॉय को ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है, बट एम्प्लॉय के हाथों में ये फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। ठीक, कौन सी फैसिलिटी? जो RFA के ऊपर टैक्स पे हुआ है, राइट। RFA तो टैक्सेबल है उसके लिए, बट जो RFA के ऊपर जो टैक्स पे कर दिया, दैट इज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजेट पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट रहती है। ये बातें मैंने आपको सैलरी में बताई थी। अब प्लीज इसको PGBP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस एंगल से देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो बिजनेस है अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, सैलरी पे करना अलाउड होता है सेक्शन 37 में, उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दिया हुआ, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा करा होगा, फॉर एग्जाम्पल
वो इस घर के घर को कहीं और से रेंट पर लेकर आया एम्प्लॉयर, तो वो खर्चा भी अलाउड होता है, ठीक है। रेंट ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 30 में अलाउड है, क्योंकि ये बिल्डिंग कैसे यूज हो रही है बिजनेस में, इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा खर्चा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हमारी कंपनी है, मैं इनफैक्ट लिख देता हूँ। अब देखो हमारी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट से देर इज अ कंपनी नेस्ले लिमिटेड। नेस्ले लिमिटेड अपने इंप्लॉय को तीन चीजें दे रही है, फॉर एग्जाम्पल एक तो इसको सैलरी पे कर रही है, इसको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया गया, और ये अकोमोडेशन फॉर एग्जाम्पल नेस्ले ने कहीं से रेंट पर लिया था, ठीक है, तो इसका नेस्ले का खर्चा हो रहा है, और इस अकोमोडेशन के ऊपर जितना टैक्स बन रहा है वो भी नेस्ले ही पे कर रही है, तो नेस्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक और खर्चा है। ये कौन सा खर्चा है? टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूसेट, ठीक है। तो नेस्ले अपने पीएनएल अकाउंट में बोलेगा कि सर मैं ना तीन एक्सपेंसेस कर रहा हूँ इस रिगार्ड में, एक तो एम्प्लॉय को मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, टू सैलरी अपने डेबिट साइड में लिखेगा वो सैलरी, समझ में आ रहा है आपको। दूसरा लिखेगा कि सर मैंने ये अकोमोडेशन एक्चुअली नेस्ले की खुद की अपनी नहीं थी, उसने कहीं से इसको रेंट पर लेकर आपको दिया हुआ है, तो प्लीज बताइए वो रेंट पे कर रही होगी, रेंट ऑफ बिल्डिंग बोल सकता हूँ। पहले मुझे बताओ सैलरी खर्चा अलाउड होता है? अब तो पीजीबी भी आप मेजरली जान गए इसके बारे में, सैलरी अलाउड होता है 37 में, 30 से लेकर 36 में कहीं कवर नहीं होता, 37 में कवर है। रेंट ऑफ बिल्डिंग 37, 36, 30, ठीक है, क्लियर है। क्या ये बिल्डिंग बिजनेस में यूज नहीं हो रही? बिल्कुल बिजनेस में यूज हो रही है, हमने अपने एम्प्लॉय के लिए लिया है, बिजनेस में यूज हो रही है। तीसरा खर्चा, तीसरा इंपॉर्टेंट खर्चा है कि इस अकोमोडेशन के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो भी कंपनी बोल रही है चलो मैं भी इसका टैक्स पे कर देते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है टू टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट ये लोग पे कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड। सेक्शन 40 स्मॉल ए ने इसको डिसअलाउ कर दिया है, सेक्शन 40 स्मॉल ए ने डिसअलाउ कर दिया है कि एम्प्लॉयर के लिए हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसका बेनिफिट एक्चुअली एम्प्लॉय को मिल रहा है, उसकी एक तो इनकम नहीं बन रही है, उसको एग्जेम्प्ट हो रखा है उसके लिए, और जब वो अपना टैक्स पे करेगा वो इससे इसका क्रेडिट भी ले लेगा कि ऑलरेडी मेरा टैक्स पे हो चुका है, तो इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल जाता है। खैर उसको छोड़िए, वो हम रेगुलर क्लास में थोड़ा इसको डिटेल में बातें करते हैं कि इस तरह का क्यों है, बट रिविजन में आपको याद आ गया वाली बात है कि अगर आप टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे कर रहे हैं तो ये खर्चा एम्प्लॉयर के लिए अलाउ नहीं होता है। दिस इज समथिंग विच इज रिटन ओवर हियर, टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट इज नॉट अलाउड टू द असेसी। कौन सा असेसी? जो एम्प्लॉयर, जो बिजनेस, ठीक है, हमारे केस में नेस्ले। ओके, सो दिस वाज 40 स्मॉल ए, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है 40 स्मॉल ए, और इनफैक्ट जो मैं आज जितने भी सेक्शंस करूंगा ना उसके आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी सेक्शन के आगे इंपॉर्टेंट बोलना भूल भी जाऊं समझ जाइएगा वो इंपॉर्टेंट है सारे सेक्शंस, ये सेक्शंस देख लीजिएगा। डिडक्शंस नॉट अलाउड 40 स्मॉल ए कर लिया हमने, ठीक है, चलिए इसके आगे मैं टिक लगा देता हूँ, कर लिया हमने ये। अब हम पढ़ रहे हैं 40A2 और 40A3, ठीक है। पहले 40A2, ये होता है कि अगर आप पेमेंट करते हैं अपने रिलेटेड पार्टी को, कर सकते हैं, ठीक है, अगर असेसी अपने फॉर एग्जांपल फादर को या सन को पेमेंट कर रहा है कुछ, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसके फादर या सन उसकी हेल्प कर रहे हो बिजनेस में, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर रहा हो, कर सकते हैं, बट हाँ हम ये चाहेंगे कि आप वो जो पेमेंट कर रहे हो करें वो रीजनेबल हो, मार्केट वैल्यू पर हो। अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हुए दिखाएंगे एक्सेस पेमेंट, तो हम वो जितना ज्यादा आप पे कर रहे हैं वो डिसअलाउ कर देंगे, वो 40A2 बातें करेगा। फिर 40A3 आएगा, वो कहेगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर जब आप पेमेंट करते हैं प्लीज कैश ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में सिंगल पार्टी को 10,000 रुपीज तक अलाउड है, 10,000 से ज्यादा अगर आप करेंगे तो फिर हम पूरा पूरा डिसअलाउ कर देंगे, पूरा डिसअलाउ कर देंगे। अगर वो 11,000 की पेमेंट है तो पूरा का पूरा 11,000 डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 10 था ये, फिर पूरा 11 हो जाएगा। चलिए पहले मैं 40A2 डिस्कस कर, 40A2 क्या होता है? रिलेटेड पार्टी को, अगर आप अपनी स्पेसिफाइड पर्सन को या रिलेटेड पार्टी को, जो भी मैं बोल सकता हूँ, अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हैं कर सकते हैं, बट अप टू मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट, मार्केट वैल्यू से कम करें वो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर कम खर्चा दिखा रहे हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम तब है जब आप ज्यादा एक्सपेंस दिखा रहे हो, राइट। तो एनी एक्सेस और अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू अ रिलेटेड पार्टी इज डिसअलाउड, ठीक है। कितना डिसअलाउ करेंगे? जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, सिंपल है। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, एक्सपेंसेस इनकर्ड माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लॉजिकल है ना यार। अगर आपने पेमेंट करी है 50,000 की और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है 45,000 है, तो सिंपल है ना, कितने एक्स्ट्रा है? 5,000, वो डिसअलाउ कर,
राइट। अब बस इतना समझ लीजिए कि रिलेटेड पार्टी कौन होता है। अब डिपेंड करता है कि जो असेसी कौन है, क्या असेसी एक इंडिविजुअल असेसी है, तो उसके लिए रिलेटेड कौन होगा, उसके रिश्तेदार, ठीक है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स होंगे, उसमें कौन कौन आएगा, अगर वो कोई पेमेंट करता है अपने स्पाउस को, ब्रदर को या सिस्टर को, ठीक है। सर बच्चे और पेरेंट्स हैं क्या इसमें, हाँ जी बिल्कुल हैं, लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। असेंडेंट मतलब होता है अपने अगर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो जो आपके ऊपर आते हैं, मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। डिसेंडेंट का मतलब होता है अगर जो नीचे आते हैं, यानी कि चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो भी कवर्ड है, ठीक है। अगर आप किसी और को पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कजन को पेमेंट कर रहे हो, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी में आएगा, द आंसर इज नो, ठीक है। एग्जामिनर कंफ्यूज करे प्लीज, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, राइट। तो कजन हो गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल फादर के ब्रदर हो गए, अंकल हो गए, आंट हो गए, वो यहाँ पर नहीं आते, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आते। फैमिली की बहुत ज्यादा वाइड डेफिनेशन है, जब हम IFOS में पढ़ेंगे, गिफ्ट तो हम बहुत सारे लोगों से ले सकते हैं, वहां तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, ठीक है, वहां तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, बट यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्लीज याद रखिएगा, इंडिविजुअल के लिए मेनली आपके एग्जाम में इंडिविजुअल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इंडिविजुअल के लिए कौन है रिलेटेड पार्टी, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर यानी कि सिबलिंग्स, और उसके लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट यानी कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। और चिल्ड्रन में जब कभी मैं बातें करता हूँ, पूरे इनकम टैक्स में आपको पता है चिल्ड्रन हेयर इंक्लूड्स अडॉप्टेड चाइल्ड एंड स्टेप चाइल्ड ऑल्सो, ओके। अगर असेसी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन रिलेटेड होगा, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए उसके पार्टनर्स रिलेटेड होंगे, ऑब्वियसली, अगर वो पार्टनर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, या फिर पार्टनर्स के जो रिश्तेदार है वो भी उसके लिए रिलेटेड होंगे। तो ये पार्टनर्स इंक्लूडिंग देयर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स कौन है, ये लोग हैं। AOPBY के लिए कौन होंगे, सिंपल है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, AOPBY में आप जानते हैं मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स और उनके रिलेटिव, उनके साथ अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कंपनी SAC, कंपनी में कौन होगा, डायरेक्टर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स होंगे क्या, शेयर होल्डर नहीं हो सकते ना, क्योंकि इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस के कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपके पास भी उसका एक शेयर है, तो एक शेयर से हम लोग जानते हैं सर, अगर हम शेयर होल्डर हैं तो हम ओनर कहलाए जाते हैं, बट एक्चुअली आप मुझे बताओ क्या रियल सेंस में ओनर होते हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली हम कहते हैं शेयर होल्डर इज द ओनर, बट प्लीज बताइए, आप एक शेयर खरीद लें, आप अगर रिलायंस के ऑफिस में जाएं और बोलें कि भैया दरवाजा खोलो, यहाँ पर आप उसके PN से बोलें, भैया दरवाजा खोल मेरे लिए, मैं ओनर हूँ, क्यों, आप क्या बोलेंगे, मेरे पास एक शेयर है, वो PN कहेगा कि बॉस साइड हट, मेरे पास 20 शेयर्स है, करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक शेयर बन के, हम कहते हैं कि हम आपको यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको टेक्निकली यस, हाँ शेयर होल्डर होते हैं, बट प्रैक्टिकली आप देखें तो मेनली शेयर होल्डर कौन होगा, जिसके पास मेजर शेयर्स हैं, जिसके पास मेजर शेयर्स हैं, कौन, सब्सटैंशियल शेयर, कम से कम 20% या उससे ज्यादा अगर आपके पास शेयर्स हैं, तब आप जाकर मेन ओनर बनते हो। एक दो शेयर लेकर, 10-12 शेयर लेकर आप ओनर नहीं बन जाते हो, ठीक है, टेक्निकली कंपनी लॉ कहता है, वैसे तो हम कह सकते हैं हाँ जी हम शेयर होल्डर हो गए, बट प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, PN ही हमें बाहर निकाल देता है, वो हम कहते हैं भैया एक शेयर है, वो कहता है मेरे पास 100 शेयर्स है, उसका PN है, वो भी वो तो नहीं कह रहा ना मैं ओनर हूँ, बट यस टेक्निकली स्पीकिंग यस शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट प्रैक्टिकली आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सारे शेयर होल्डर्स उसके रिलेटेड पार्टी है, नहीं जी, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है जिसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है कम से कम। तो हाँ रिलायंस के लिए मुकेश अंबानी इज अ शेयर होल्डर भी है वो, और उसके पास क्या है, डायरेक्टर भी वैसे सकते हो, बट उसके पास क्या है, सब्सटैंशियल ओनरशिप है, तो वो बन जाएगा, ऐसे शेयर होल्डर रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं। तो अ पर्सन हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर इन द बिजनेस, वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अपने स्पाउस या ब्रदर या सिस्टर के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आएगी। या फिर ऐसी कंसर्न के साथ, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल ऐसी कंसर्न के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है जहां पर उसके रिलेटिव्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कंसर्न भी हमारे रिलेटेड पार्टी हो जाती है, ये बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आज तो मैं सारे सेक्शन को इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ बस, क्योंकि वो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 43, जैसे मैं बातें कर रहा था कि आप सिंगल डे में सिंगल पार्टी को 10,000 रुपीज तक पेमेंट कर सकते हैं, कैश में, बेरर चेक से या क्रॉस चेक से, इससे ज्यादा अगर पेमेंट आप करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगी। तो फिर कैसे करें पेमेंट, अरे करनी है तो आराम से बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, अकाउंट पे ही चेक करें, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट करें,
ठीक है, या फिर कोई भी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करें, एनईएफटी करें, आरटीजीएस करें, यूपीआई करें, ठीक है, पेटीएम भीम कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप बैंकिंग मोड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो अलाउड है, नॉन बैंकिंग मोड के थ्रू, नॉन बैंकिंग मोड में क्या क्या आएगा, कैश में पेमेंट अलाउड नहीं है, बेरर चेक और क्रॉस चेक अकाउंट पे ही अलाउड है, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, राइट। क्योंकि क्रॉस चेक क्यों नहीं है, क्रॉस चेक नेगोशिएबल होता है, पता नहीं चलता फिर किसको दिया, तो क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, बट अकाउंट पे ही इज अलाउड, अकाउंट पे ही तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन मानी जाती है। तो ये सारे इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, कितना 10,000 रुपीज। बट हाँ, अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करनी है तो 35,000 इन अ सिंगल डे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 है। अब इसकी 48A की कुछ एक्सेप्शन है, कभी कभी हम इन एक्सेस ऑफ 10,000 या इन एक्सेस 35,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। कब कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनकेस अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं या आरबीआई को पेमेंट कर रहे हैं, किसी बैंक को पेमेंट, इन लोगों को आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई को पेमेंट कर सकते हैं, किसी बैंक को आप पेमेंट कर सकते हैं, वो 10,000 करें, 10 लाख करें, 10 करोड़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट कहती है ये तो हमें आप पेमेंट कर रहे हो, ये अलाउड होती है। अगर आप, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी कल्टीवेटर या प्रोड्यूसर या ग्रोअर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो कोई शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, पोटैटो टोमेटो ग्रो कर रहे हैं, फिश और फिश प्रोडक्ट्स, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एपिकल्चर, जब आप ये खरीद रहे हैं, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्रीकल्चर, ध्यान से समझिएगा, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, फिश या फिश प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, हॉर्टिकल्चर या एपिकल्चर फ्लावर्स वगैरह खरीद रहे हैं, किससे, दैट इज इंपॉर्टेंट, किसको पेमेंट कर रहे हैं, जो लोग इन चीजों के प्रोड्यूसर हैं, जो लोग इन चीजों के ग्रोअर हैं, जिन्होंने फार्मर को पेमेंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखो एग्जाम में कैसे आता है, एक रेस्टोरेंट ने फॉर एग्जाम्पल 50,000 की पेमेंट कर दी कैश में, किसको, उसने उस रेस्टोरेंट ने सब्जियां खरीदी फ्रॉम फार्मर, फार्मर कौन है, ग्रोअर, ठीक है, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा अलग। बट सेम अगर मैं कंसेप्ट एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, मैं ये बोल देता हूं कि उस रेस्टोरेंट ने 50,000 की पेमेंट करी, खरीदा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि खरीदे उसने टोमेटो पोटैटो कुछ भी, 50,000 की पेमेंट करी है, बट वो उसने किसको करी है, टू अ ग्रॉसरी डीलर, टू अ ग्रॉसरी डीलर। प्लीज बताइए, जो ग्रॉसरी डीलर है, दैट पर्सन इज नॉट कल्टिवेटर, दैट पर्सन इज नॉट प्रोड्यूसर, दैट पर्सन इज नॉट ग्रोअर, अगर आपने उसको पेमेंट करी है तो फिर डिसअलाउड, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, पर प्लीज आप, मुझे लगता है आप आराम से याद कर पाएंगे। तो अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये सारी चीजें ग्रो करी है, जैसे फिश या फिश प्रोडक्ट है, तो जो लोग निकाल के लाते हैं, यानी कि फिशरमैन को अगर आप पेमेंट कर, ठीक है, तब ये अलाउड हो जाती है। फिशरमैन को पेमेंट कर रहे हैं तब अलाउड हो जाती है। फिशरमैन के केस में एक सर्कुलर भी है, बट आपको अभी इतना नहीं करना, मैं फाइनल में ज्यादा अच्छे से बताता हूँ। जो हेड फिशरमैन होता है उसको भी पेमेंट कर सकते हैं, हेड फिशरमैन होता है वो सारे फिशरमैन को एक्यूमुलेट करके सारी आप फिश फिशरमैन के थ्रू खरीदते हैं। बट हाँ, अगर ये फिश आपने नॉर्मल मार्केट से खरीदते हैं, नॉर्मल जाके खरीदेंगे, तो फिर तो 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट अलाउड नहीं है। बट हाँ, आप इन लोगों को पेमेंट करते हैं तो अलाउड होती है, ठीक है। तो याद रहेगा, प्रोड्यूसर या कल्टिवेटर, तो ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देखते आप बोल दीजिएगा अलाउड है, देख लीजिएगा पेमेंट किसको कर रहे हैं। दूसरा है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए जो बनती हैं विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो चीजें बन सकती हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर आप इस चीजों को खरीद रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है किससे खरीद रहे हैं, आप उस प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं जिसने वो चीजें बनाई हैं, अगर आप उससे खरीद रहे हैं तो आप 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रेडर से खरीद रहे हैं तो फिर अलाउड नहीं होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर ऑफ सच गुड्स, ओके। और क्या एक्सेप्शन है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं जो ऐसी जगह पर रहता है या ऐसी जगह पर अपना बिजनेस कैरी करता है जहां पर कोई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उस केस में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने इंप्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं या उसके लीगल एयर को पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो रिजाइन होकर गया, रिटायरमेंट या डेथ पर, अप टू 50,000 रुपीज अलाउड होता है, क्लियर है। 6 पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका एक एम्प्लॉय जो टेम्परेरी बेसिस पे कहीं और पोस्टेड है 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए, 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए पोस्टेड है, और अगर आप उसको सैलरी वगैरह की पेमेंट कर रहे हैं तो आप अलाउड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उस जगह पर उसका अकाउंट नहीं है, तो उनको आप पेमेंट कर सकते हैं।
वैसे अब ये प्रैक्टिकली, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब जरूरत नहीं होती हमें अलग अलग शहर में अकाउंट खुलवाने की, एक ही शहर में अकाउंट है, हम उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। बट क्योंकि अब ये लॉ थोड़ा पुराना हो गया, ये वाली चीज़ें अभी भी पुराने कंसेप्ट ले रही हैं जब ATM मशीन्स वगैरह नहीं होती थी, बट अब ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। आजकल तो हर जगह ATM है और आप किसी भी बैंक के ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बट यस, थ्योरेटिकली अभी भी है, तो हमारे एग्जाम के लिए तो अभी भी रहेगा कि अगर कोई भी इम्प्लॉय जो टेम्प्रेरी पोस्टेड है किसी और जगह पर 15 डेज और या उससे ज़्यादा के लिए, अगर आप इसको पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पर इसका बैंक अकाउंट नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ आप, वो हमारा डेटर भी था, वो हमारा क्रेडिटर भी था, तो अगर आप सिर्फ बुक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पेमेंट नहीं हो रही, वहाँ तो सिर्फ बुक एंट्रीज हो रही हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी एजेंट को हु परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल बिहाफ इन कैश, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 जगह से चीज़ें खरीदनी थी, 10 जगह से चीज़ें खरीदनी थी, 9000 9000 9000 9000। अब मुझे जब 9000 की चीज़ें खरीदनी, तो मैं अलग अलग लोगों से खरीद रहा हूँ ना, ठीक है, तो 9000 में फर्स्ट पर्सन को पे कर रहा हूँ, 9000 में सेकंड पर्सन को पे कर रहा हूँ, 9000 में थर्ड फोर्थ फिफ्थ को पे कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10000 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं, अगर मेरे पास 90,000 रुपीज़ कैश है और मैं 9000 पर्सन नंबर ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी को कर रहा हूँ, अलग अलग लोग हैं, इनको मैं पेमेंट कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं खुद डायरेक्टली चीज़ें परचेज नहीं कर रहा, मैंने अपने एजेंट को बोल दिया कि यार तू मेरे बिहाफ पर परचेज कर ले, इन 10 लोगों को पेमेंट करना 9000 9000 9000 9000 ईच, ठीक है। तो मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ, अपने एजेंट को, तो मैं 90,000 अपने एजेंट को, मैं एजेंट से कुछ परचेज नहीं कर रहा, वो मेरे बिहाफ पर चीज़ें खरीदेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं अपने एजेंट को पैसे पे कर रहा हूँ जिससे कि वो बाकी आगे खरीद सके, हाँ वो आगे 10,000 से ऊपर की पेमेंट नहीं करेगा, कि वो सबको 9000 या 10,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं जा रही है, तो मैं अपने एजेंट को पैसे पे कर सकता हूँ 90,000 रुपीज। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पेमेंट टू एन एजेंट हु परचेजेस गुड्स और सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल बिहाफ इन कैश, क्योंकि वो कैश में चीजें खरीदेगा, बट हाँ जब वो अलग अलग चीजें खरीदेगा तो हर एक पार्टी को 10,000 से ज्यादा पे नहीं करेगा, ठीक है। बट मैं तो डायरेक्टली उसको 90,000 1,00,000 रुपीज दे सकता हूँ ना तरीके से। 9th पॉइंट, पेमेंट मेड टू ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर, जब आप फॉरन करेंसी परचेज करते हैं तब आप पेमेंट कर सकते हैं 10,000 रुपीज से ज्यादा। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां जहां पर एक्सेप्शन है 40 स्मॉल ए की, जहां जहां पर आप लोग 10,000 से भी ज्यादा की पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। दूसरा है 48(7). 48(7) ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोगों को पता है कि प्रोविजन बनाते हैं अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, सेक्शन 36 में लिखा हुआ था, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड हो, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड वगैरह हो, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड हो, अप्रूव्ड हो, अलाउड होता है। तो क्या कर रहा है इंप्लॉयर, अभी क्या उसने इंप्लॉय को पैसा पे कर दिया करा, या सिर्फ वो अप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट कर रहा है, वो सिर्फ अप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट कर रहा है। अगर आप अप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट कर रहे हो, वो अलाउड होता है, ठीक है, वो अलाउड होता है। लेट्स से मान लीजिए देयर इज अ कंपनी, लेट्स से कंपनी है विप्रो लिमिटेड, ठीक है, विप्रो लिमिटेड इज अ कंपनी, और ये अपने एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड फंड में हर साल पेमेंट करती है। फॉर एग्जांपल अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज ये डिपॉजिट करती है। प्लीज मुझे बताइए, सेक्शन 36 इसको अलाउ करता है, 36 में लिखा था अप्रूव्ड फंड हो अलाउड हो जाता है, तो वो इसको अलाउ करता है। प्लीज मुझे बताइए ये पैसे कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, विप्रो लिमिटेड इसको कहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, सर एक फंड में, इस फंड में ये पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, 60,000 रुपीज इस साल हुए होंगे, हर साल ऐसा होता है, एवरी ईयर ऐसा हो रहा है, 60,000 60,000 60,000 हर साल पैसे आ रहे होंगे, और प्लीज बताइए हर साल विप्रो ने अलाउ करे होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल 10 साल तक ऐसा हुआ, 10 साल से ऐसा हो रहा है, यानी कि इस फंड में फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्ट वगैरह को सबको इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही मान रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपीज, ये 6 लाख रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट हुए 60,000 फर्स्ट ईयर, 60,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और प्लीज बताइए विप्रो लिमिटेड को तो अलाउ है ना ये पैसे, हाँ सर हर साल अलाउ है। अभी ये पैसे, बस क्वेश्चन इतना सा है, क्या ये फिलहाल ये अभी जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं ये फंड में हो रहे हैं, क्या मैंने इसको एम्प्लॉय को दे दिया, अभी नहीं दिया सर, आप अभी ये पैसे अप्रूव्ड फंड में जा रहे हैं, हाँ ये पक्का पता है क्योंकि अप्रूव्ड फंड है तो ये एम्प्लॉय को ही जाएगा। अब लेट्स से इन 11th ईयर ये सारे के सारे 6 लाख में उठाकर अपने एम्प्लॉय को पे कर देता हूँ, ये लीजिए एम्प्लॉय वो रिटायर हो रहा है, मैंने 6 लाख को एम्प्लॉय को दे दिया,
क्या मेरा 6 लाख जब मैंने ये पैसे इंप्लॉय को दिए, क्या ये अभी भी अलाउ रहेंगे? क्या अब मैं इसको दोबारा से अलाउ करूं 6 लाख रुपीज को कि मैंने खर्चा करा है? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप तो इसको, जब आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस फंड में, अप्रूव्ड फंड में, आपका तो हर साल पहले से अलाउड था. यानी कि जो 6 लाख रुपीज का एक्सपेंस है विप्रो, आप तो इसको हर साल 60,000 करके लेते ही थे ना. अब ऐसा थोड़ी है कि आप जब दोबारा इस फंड में से, जब आप पे करेंगे इस फंड में से, आप पे करेंगे तो क्या दोबारा से हम आपको डिडक्शन देंगे? द आंसर इज नो. वरना तो डबल डिडक्शन हो जाएगी. करेक्ट. तो जब आप इस अप्रूव्ड फंड से पैसा पे करते हैं तो आप इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्शन आपको मिल चुकी है. तो विप्रो आपको ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी है पिछले 10 सालों में. अगर अप्रूव्ड फंड से जब आप पैसा देते हैं तब वो अलाउ नहीं होगा. यही बातें लिखी है 47 में. इफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इज मेड, जब प्रोविजन हो रहा था तो हम आपने आपको डिडक्शन दी थी टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, देन इट वाज अलाउड अंडर सेक्शन 36. क्लियर है? हाउएवर इफ एनी पेमेंट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सच फंड्स, अगर इस फंड से कुछ एक्चुअली जब आप पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, देन इट विल नॉट बी फर्दर अलाउड, क्योंकि फिर तो वो डबल डिडक्शन कराई जाएगी. समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, ईजी है ना? बिल्कुल. हाँ, अगर ये ऐसा होता, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं और मुझे लगता है आप अपने आप ही समझ जाओगे. अगर मैं ऐसा बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल, एक विप्रो ने एक अनअप्रूव्ड फंड में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, अनअप्रूव्ड, पहले मुझे बताओ ये अलाउड है डिसअलाउड है? सर ये डिसअलाउड. अनअप्रूव्ड फंड में पैसा डिपॉजिट करोगे तो फिर तो डिसअलाउड. यानी कि अगर आप इसमें 60,000 हर साल में डिपॉजिट कर रहे हो तो क्या ये पैसा अलाउड होता है या डिसअलाउड होता है? द आंसर इज डिसअलाउड. 40A9 ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, 40A9 ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, अगर अनअप्रूव्ड फंड में आप पैसा दोगे तो वो डिसअलाउड होगा. ठीक है, वो फिर हर साल अलाउड नहीं होता है. इवन अगर ये अनअप्रूव्ड है, इवन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे कि हमारा एक एक्चुअरियल वैल्यूएशन था, एक्चुअरी था, वो बहुत एक्सपर्ट था, उसको पता था कितने पैसे डिपॉजिट होने, उसने हमें बताया, ठीक है, एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन ये हम अमाउंट पर आए हैं, बट है तो ये अनअप्रूव्ड ना, तो फिर ये अलाउ नहीं होता है, फिर ये अलाउ नहीं होता है. राइट. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ, इतना नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में, बट स्टिल ठीक है, मुझे लगता है ये कंसेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं. अब प्लीज बताइए, एक अनअप्रूव्ड फंड था, अनअप्रूव्ड विप्रो लिमिटेड. अनअप्रूव्ड क्या होता है? कि ये फंड का पैसा इंप्लॉय को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है. ठीक है, याद है ना आपको सैलरी चैप्टर जब मैंने बताया था आपको अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये पैसा इंप्लॉय की इनकम कब बनती है? जब उसको एक्चुअली मिल जाए ये पैसा, ठीक है, तब ये इनकम बनती है. तो विप्रो लिमिटेड अगर अनअप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट कर रहा था तो उसको कभी हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि 48(9) मना कर देगा, ये तो अनअप्रूव्ड है. चाहे वो भले ही एक्चुअरियल वैल्यूएशन उसको बोले कि इतना फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करना है, बट है तो वो अनअप्रूव्ड ना, तो इसलिए वो डिसअलाउ कर देते हैं. ठीक है, वो डिसअलाउ कर देते हैं. बट अगर इस अनअप्रूव्ड फंड में से पैसा जब हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे बताओ क्या ये अलाउ था या डिसअलाउ था? सॉरी, डिसअलाउ. अब प्लीज मुझे बताइए, अब ये पैसा हम एक्चुअली, जो पैसा इकट्ठा हुआ है, अब ये एक्चुअली पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, क्या उस साल का एक्सपेंस माना जाएगा? हाँ सर, उस साल का एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने इसको अलाउ नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं था कि हम ये अपने एम्प्लॉय को पैसे देंगे, खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे. बट जिस साल ये एक्चुअली पे किया जाता है फिर हम उस साल अलाउ कर देते हैं. राइट. तो ये बिल्कुल अपोजिट है. पहले वाले मैंने क्या बताया था, वो अप्रूव्ड फंड था, उसमें तो हर साल वो एक्चुअली हम अलाउ कर ही रहे थे, तो फिर बाद में अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हर साल ऑलरेडी अलाउड है. इसमें क्या था, अनअप्रूव्ड फंड में हम हर साल अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अनअप्रूव्ड था, बट हाँ जब आप एक्चुअली में जब पैसा दोगे इस फंड में से तब वो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो पहले तो कभी अलाउ नहीं हुआ था, बट अब आप खर्चा कर रहे हो अपने एम्प्लॉय के लिए. ठीक है, तो 48(9) में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं. एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय SSC टू एनी अनअप्रूव्ड फंड शैल नॉट बी अलाउड. ठीक है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, इवन वेन दे आर मेड बाय एक्चुअरियल वैल्यूएशन ऑल्सो, बट अगर वो अनअप्रूव्ड फंड है, सॉरी, हम उसको अलाउ नहीं करते. हाँ, जब फंड में डिपॉजिट कर रहे हो तो अलाउ नहीं करेंगे, जब उसमें से एक्चुअली पैसा दे रहे हो तब तो अलाउ हो जाएगा. अब इसको कुछ स्टूडेंट्स याद करने लगते हैं. अरे बहुत सिंपल सी बात है, बस मुझे ये बता दो क्या एम्प्लॉयर का एक्चुअल खर्चा हो रहा है? अगर उसका एक्चुअल खर्चा हो रहा है, यानी कि उसके यहाँ से पैसे जा रहे हैं और वो एम्प्लॉय के पास जा रहे हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, अलाउ करो. बट अगर उसका एक्चुअल खर्चा नहीं हो रहा तो डिसअलाउ कर दो, क्योंकि अगर वो अनअप्रूव्ड फंड है तो अनअप्रूव्ड फंड के पैसे तो वापस विड्रॉ कर सकता है ना एम्प्लॉयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विप्रो है, अगर वो अनअप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट कर रही है वो तो कभी भी वापस विड्रॉ कर सकता है, तो वो तो उसका खर्चा नहीं हुआ. जो पैसे हम अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं वो तो हमारा खर्चा होता है. तो सिंपल सा कंसेप्ट है.
बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इतनी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाना, रिविजन चल रहा है, मैं सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगा इसमें, बट फिर भी आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए, इसलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। बट सिंपल, अगर टू सम अप, सिर्फ इतना याद रखिएगा, 47 ये कहता है, अगर आपने एक अप्रूव्ड फंड में डिपॉजिट कर रहे थे, उसकी 36 में डिडक्शन ले रहे थे, और बाद में अप्रूव्ड फंड से जब पैसा जाएगा तो उसको अलाउ मत करना वरना डबल डिडक्शन हो जाएगी। और 49 सिंपल ये कहता है कि अनअप्रूव्ड फंड में जब आप पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हो वो अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अभी सिर्फ फंड में पैसा डिपॉजिट हो रहा है और वो अनअप्रूव्ड है तो वो डिसअलाउ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 41। ये डिसअलाउ का सेक्शन नहीं होता है, इनफैक्ट ये डिसअलाउ का सेक्शन नहीं होता, ये 41 तो एक नॉर्मल सेक्शन है, 28 चार्जिंग सेक्शन की तरह है ये सेक्शन 41। चार्जिंग सेक्शन 28 क्या था, 28 ये कहता था कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में आती है। 41 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है, डीम्ड पीजीबीपी इनकम। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई पहले एक्सपेंस था, कोई पहले एक्सपेंस था, आपने उसको क्लेम किया था, आपने उसकी डिडक्शन ली थी, बट बाद में वो आपको रिकवर हो जाता है, तो ऐसा एक्सपेंस आपकी इनकम बन जाती है, क्योंकि आपका वो रिकवरी हुई। तो रिकवरी ऑफ एनी एक्सपेंस या रिकवरी ऑफ एनी लॉसेस, आपके कोई लॉसेस हुए थे, ठीक है, आपने वो एक्सपेंस माना हुआ था तो वो आपको रिकवर हो जाते हैं, दैट इज योर डीम्ड पीजीबीपी इनकम। और रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रेडिटर था, आपने उससे परचेज की थी, ठीक है, परचेज की थी तो आपने उसको एक्सपेंस माना हुआ था, ठीक है, बट वो क्रेडिट परचेज थी, पर वो एक्सपेंस अलाउड था क्योंकि ड्यू बेसिस पर अलाउड हो जाता है। आपकी बुक्स में वो क्रेडिटर था, बाद में फॉर एग्जाम्पल आप इसको पैसे पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो रेमिशन हो गया, सेसेशन हो गया ट्रेडिंग लायबिलिटी का। उस केस में मुझे बताइए, जो आपने परचेज की थी वो ऑलरेडी आपने एक्सपेंस माना हुआ था, अब क्या आप इसने इसके एक्चुअली पेमेंट कर रहे हो, या ये अब ये जो आपकी ट्रेडिंग लायबिलिटी है वो खत्म हो गई है, ट्रेडिंग लायबिलिटी खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि आपने उसको पे ही नहीं करोगे, तो उस केस में वो आपकी इनकम बन जाएगी वापस, ठीक है। सेम बैलेंसिंग चार्ज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट, अगर आप अपना असेट WDV से ज़्यादा अमाउंट का बेचते हैं अप टू ओरिजिनल कॉस्ट, तो वहाँ तक आपकी PGBP की इनकम बनती है, एंड बियॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट तो फिर कैपिटल गेन के प्रोविजंस आ जाते हैं। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट, सेम उन्होंने किया था, साइंटिफिक रिसर्च के असेट के ऊपर आप 100% डिडक्शन ले लेते हो इन द वेरी फर्स्ट ईयर, और बाद में अगर आपने इसको बेचा तो जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट, वो आपकी PGBP की इनकम होती है। एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स भी हमने सेक्शन 36 में पढ़ा था, अगर आपने कोई बैड डेट्स क्लेम करा है, और वो रिकवर हो जाता है, तो फिर वो आपकी PGBP की इनकम बन जाती है अंडर सेक्शन 41, राइट। बट अगर कोई आपका बैड डेट हुआ था, वो पहले क्लेम नहीं किया था, उसकी डिडक्शन पहले नहीं मिली थी, यानी कि ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो, बाद में अगर वो ऐसा बैड डेट रिकवर हो जाता है जिसकी डिडक्शन नहीं मिली थी, वो इनकम नहीं बनती। इनकम क्या बनेगी यहाँ पर 41 में, जो आपने ऑलरेडी बैड डेट क्लेम किया था उसकी रिकवरी होती है, तब आप इसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हो, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 43B, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आज के तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 43B तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 43B का मैंने पहले भी रेफरेंस दिया है, ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉरवर्ड बाय द एसएससी, एसएससी चाहे ड्यू बेसिस पे अपने अकाउंटिंग कर रहे हो, कैश बेसिस पे कर रहे हो, हमें उसे लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉरवर्ड बाय द एसएससी। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ अलाउड होते हैं, इफ दे आर एक्चुअली पेड। कब तक पे होने चाहिए, ROI की ड्यू डेट तक, वो एक्सपेंसेस आपके पे हो जाने चाहिए। अगर वो इस साल की ROI की ड्यू डेट तक पे हो गए हैं तो इस साल अलाउ कर देंगे, इस साल ड्यू डेट तक पे नहीं हुए तो इस साल अलाउ नहीं करेंगे। फिर कब करेंगे, जब भी आप उसको पे करोगे फिर तब अलाउ करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर ROI की ड्यू डेट तक ये एक्सपेंस पे हो जाने चाहिए। बट इस साल इसमें एक अमेंडमेंट है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, इसमें एक और पॉइंट ऐड हुआ है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर आप पेमेंट करते हो तो वहां पर उसकी पेमेंट के बारे में डेज अलग है, यहां पर ROI की ड्यू डेट नहीं लगती, उसमें कुछ और अलग डेट लगती है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। यानी कि अभी तक तो लास्ट ईयर तक तो 2023 तक जितने एग्जाम्स दिए थे वहां तक तो सिर्फ ROI की ड्यू डेट होती थी, बट इस साल से एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें और ऐड हो गया है, और यहाँ पर ROI की ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पर MSME एक्ट की ड्यू डेट है इनफैक्ट, ठीक है। इसके बारे में बता दूंगा, छोटी सी बातें हैं, इजीली आप समझ जाएंगे। सबसे पहले नॉर्मली समझते हैं सेक्शन को, कौन कौन सी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी हमें पेमेंट कर देनी चाहिए ROI की ड्यू डेट तक। फर्स्ट है एनी टाइप ऑफ टैक्स और सेस पेबल टू गवर्नमेंट, किसी भी तरह का टैक्स, जैसे कि मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बताया था,
जीएसटी कस्टम्स ड्यूटी अलाउड होते हैं अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया हो आरओआई के ड्यू डेट तक। अच्छा, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया सर आरओआई के ड्यू डेट तक। अरे बॉस, इनकम टैक्स तो 40 स्मॉल ए ने वैसे ही डिसअलाउ कर रखा है, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, अदर टैक्सेस के। बोनस और कमीशन 36 में मैंने बताया था आपको, 36 सेक्शन में लिखा था बोनस टू इंप्लॉइज अलाउड होता है सब्जेक्ट टू 43, यानी कि उसका पेमेंट कर दिया बोनस और कमीशन का अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया था, अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से, ठीक है, स्पेसिफाइड कुछ एनबीएफसीज हैं, उनको अगर आपने पेमेंट करना है तो आरओआई की ड्यू डेट तक कर दीजिएगा, ठीक है, आरओआई की ड्यू डेट तक कर दीजिएगा। सर, अगर हमने इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लिया लोन में तो क्या उसको पेमेंट माना जाता है? नहीं, अगर आपने इंटरेस्ट को सिर्फ लोन में कन्वर्ट कर लिया उसको पेमेंट नहीं माना जाता, वो अलाउ नहीं होगी। हाँ, जब ऐसा लोन को आप पे करोगे तब वो माना जाएगा कि वो आपका एक्सपेंस हो गया, वो आपका डिडक्शन मिल जाएगी फिर उस केस में। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड या अदर वेलफेयर फंड, मैंने बताया था 36 में अलाउड होते हैं, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू 43 बी, जो आपने ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो पैसा डिपॉजिट कर देना उस फंड में अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। लीव सैलरी और लीव इन कैश में, आप अगर लीव सैलरी के पैसे दे रहे हो अपने इंप्लॉयज को, प्लीज उनको पैसे ये पे कर दीजिएगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। या फिर लास्ट है यहाँ पर 6 पॉइंट था, कि अगर आप इंडियन रेलवेज के एसेट्स यूज कर रहे हो और इंडियन रेलवेज को पैसा पे करना है, प्लीज आरओआई की ड्यू डेट तक पैसा पे कर दीजिएगा, तभी अलाउड होगा, अदरवाइज डिसअलाउ नहीं होगा। यहां तक 6 पॉइंट तक बात है तो सेम है, ये लास्ट ईयर भी सेम थी, इस साल भी सेम है। 7th पॉइंट इस साल एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगेन आपको पता है जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी एमएसएमई को पे कर रहे हो, एमएसएमई पूरा नाम क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके ऊपर एक एक्ट है 2006, आपको वो याद नहीं करना, सिर्फ एमएसएमई के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप किसी एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज इनको पेमेंट कर दीजिएगा, इनको आप अगर पेमेंट कर देते हैं, अब डिपेंड करता है आपका उस एमएसएमई के साथ रिटर्न एग्रीमेंट है या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो एज पर रिटर्न एग्रीमेंट उनको पे कर दीजिएगा। अगर आपने एज पर रिटर्न एग्रीमेंट पे कर दिया तो हम उसको ड्यू बेसिस पर ही अलाउ कर देंगे, ठीक है, एज पर रिटर्न एग्रीमेंट। बट जो रिटर्न एग्रीमेंट में डेज हैं आपकी पेमेंट के, वो 45 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिटर्न एग्रीमेंट में जो डेज हैं वो 45 डेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से आप एक असेसी हैं, क्या ओके, लेट से मिस्टर एक्स हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं एमएसएमई को, एमएसएमई से इन्होंने कुछ चीजें खरीदी थी, लेट से ऑन 16th मार्च, फिर मैं डेट ले लेता हूं, ऑन 26th मार्च 2024 को इन्होंने इनसे कुछ चीजें खरीदी थी, ठीक है, और वो क्रेडिट पे थी, वो क्रेडिट पर थी, मिस्टर एक्स ने अपनी बुक्स में एंट्री की होगी परचेजेस डेबिट या कोई भी एक्सपेंसेस जो किया वो एक्सपेंस डेबिट टू एमएसएमई, अभी पेमेंट नहीं की है तो जो भी एमएसएमई जिससे भी हमने खरीदा था उसका नाम लिख लिया हमने एमएसएमई, राइट। तो मिस्टर एक्स की बुक्स में ये प्रीवियस ईयर 23-24 का ही पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि इस साल की पे इस साल का खर्चा किया आपने, ड्यू बेसिस पे ये मेनली अपने अकाउंट बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि एक्सपेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख रुपीज का एक्सपेंस है, जो भी अमाउंट का एक्सपेंस है, मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख लिख दिया। ये कौन सा एक्सपेंस था, जो हमने एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एडवर्टीजमेंट था, परचेजेस था, कोई भी था, हाँ अलाउेबल था, 30 से लेकर 37 में अलाउड रहता है एक्सपेंस, वैसे तो ये अलाउड था, बट आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, एमएसएमई को, ठीक है। अभी क्या हुआ, सिर्फ ड्यू हुआ है, अगर आपने उसको इसी ईयर पे कर दिया फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 43 भी कहता है कि एक्चुअली पे कर दो, ठीक है, अगर आपने इसी ईयर पे कर दिया फिर तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें तब है जब आपने इस ईयर पे नहीं करा, तब 43 भी यहाँ पर रोल प्ले करेगा, फिर 43 भी आपसे पूछेगा क्या आपका और एमएसएमई का, मिस्टर एक्स आप एक असेसी हैं, आपका और एमएसएमई का क्या रिटर्न एग्रीमेंट है, क्या रिटर्न एग्रीमेंट है, आंसर आ सकता है यस हाँ है, आ सकता है नहीं भी है, ठीक है, इसको ठीक से लिख लो, आपका और एमएसएमई का क्या रिटर्न एग्रीमेंट है, लेट से आंसर आता है यस हाँ है, पूछेगा कि रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, कितने दिन तक पेमेंट करनी थी, सर ये 26th मार्च 2024 को हमने ये चीजें खरीदी थी, फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट 2 महीने के अंदर, रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा था कि 2 महीने के अंदर करनी थी, यानी कि 60 डेज तक इसकी पेमेंट करनी थी। सबसे पहले रिटर्न एग्रीमेंट में जो भी डेज लिखा रहेगा,
मैक्सिमम हमें लेना है 45। तो अगर यहाँ पे 60 डेज लिखा है तो हम 60 डेज ना लेंगे, मैक्सिमम कितना लेंगे 45 डेज। बट हाँ, अगर रिटर्न एग्रीमेंट में 45 डेज से कम लिखा हुआ है फिर तो अच्छी बात है, 45 डेज से अगर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम 45 डेज लेंगे। इतना भी क्लियर हो गया? तो लेट्स से विद इन 45 डेज, तो ये पूछेंगे कि अगर 45 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 45 डेज, या फिर ठीक है या जितना लिखा हुआ है। कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितना रिटर्न एग्रीमेंट में डेज है और 45 डेज विच एवर इज लोअर, अगर आपको ऐसे याद करना है तो ठीक है, मतलब मैक्सिमम 45 डेज से ज्यादा नहीं है। तो क्या आपने विद इन 45 डेज जो मैक्सिमम है, क्या इसके एज पर रिटर्न एग्रीमेंट पेमेंट कर दी है या नहीं करी है? ठीक है, तो रिटर्न एग्रीमेंट में डेज थे फॉर एग्जांपल 60, हम लेंगे 60 या 45 विच एवर इज लोअर, तो हमारे लिए 45 डेज। तो हम ये पूछेंगे क्या आपने इसकी पेमेंट विद इन 45 डेज कर दी या नहीं कर दी। अब 26 मार्च से 45 डेज ले लीजिएगा कि वहां तक कर दिया नहीं कर दी। फॉर एग्जाम्पल आता है कि आंसर सर हमने पेमेंट कर दी, तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी 16th ऑफ अप्रैल को ही पेमेंट कर दी, 16th अप्रैल 2024 को ही हमने इसकी पेमेंट कर दी, यानी कि एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट और 45 डेज विच एवर इज लोअर हमने इसकी पेमेंट कर दी। अगर हमने इसकी पेमेंट करी, पेमेंट कब करी? नेक्स्ट ईयर, बट वो इसी साल अलाउड हो जाएगा क्योंकि हमने एज पर रिटर्न एग्रीमेंट या 45 डेज हमने पेमेंट कर दी, तो फिर वो इसी साल अलाउड हो जाएगा। बट अगर आपने इसकी पेमेंट एज पर एग्रीमेंट नहीं की, एज पर एग्रीमेंट अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, एग्रीमेंट और 45 डेज विच एवर इज लोअर, ठीक है, अगर आपने इसकी पेमेंट उसके बाद की, फॉर एग्जाम्पल आपकी मैक्सिमम 45 डेज आपको मिले थे पेमेंट करने के लिए, मैं इमेजिन कर लेता हूँ मार्च 10 अप्रैल और ऑलमोस्ट मई के एंड तक आपको पेमेंट करनी थी, बट लेट से आपने इसकी पेमेंट जाके जुलाई में की, फॉर एग्जाम्पल इसकी पेमेंट आपने करी 14th of July 2024, प्लीज मुझे बताइए आपकी ROI की ड्यू डेट तो 31st जुलाई होगी या 31st अक्टूबर होगी, उससे तो पहले पेमेंट कर दी, बट यहाँ पर आपको ROI की ड्यू डेट नहीं लेनी है। 43B में एक स्पेशल चेंज हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो ROI की ड्यू डेट नहीं लेता है, वो आपकी ये MSME वाली ड्यू डेट लेता है, ठीक है। तो अगर आपने इसकी पेमेंट एज पर रिटर्न एग्रीमेंट या 45 डेज विच एवर इज लोअर के अकॉर्डिंग नहीं की, उसके बाद की, तो फिर वो इस साल अलाउ नहीं होगा, फिर वो इस साल अलाउ नहीं होगा, फिर वो उस साल अलाउ होगा जब आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ROI की ड्यू डेट का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, आपने ROI की ड्यू डेट से पहले भी कर दिया, बट आपने इस रिटर्न एग्रीमेंट के बाद किया या एस 45 डेज विच इज लोअर उसके बाद किया, तो फिर वो अक्रूअल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, फिर जिस साल आपने उसकी पेमेंट करी है वो उस साल अलाउड होगा, राइट। और बस एक छोटी सी बात और बची है, फॉर एग्जाम्पल आपका आपने MSME से 26 मार्च 2024 को कोई चीज़ें खरीदी थी या कोई एक्सपेंस किया था बट इसकी पेमेंट नहीं की, सबसे पहले पूछे क्या रिटर्न एग्रीमेंट है, अगर आंसर इज येस तो एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट और 45 डेज विच एवर इज लोअर लेना है। बट अगर क्वेश्चन आता है, आपका आंसर आ जाता है कि सर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हमें 15 डेज लेना है कि इस डेट से जब आपने खरीदा है क्या आपने 15 डेज तक पेमेंट कर दी। अगर आपने 15 डेज तक पेमेंट कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी पेमेंट 26 मार्च को खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल आपने इसकी पेमेंट कर दी 4 अप्रैल 2024, देखो नेक्स्ट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर की बात की है, बट यस सर विद इन 15 डेज कर दिए तो भी अलाउड हो जाएगा, फिर तो अक्रूअल बेसिस पे ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाएगा। बट अगर आपका एग्रीमेंट नहीं था और 15 डेज तक आपने पेमेंट नहीं करी उसके बाद करी है, फिर वो तभी अलाउड होता है जिस ईयर में आपने इसकी पेमेंट करी है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपकी इंपॉर्टेंट थी, तो देखिएगा When amount is payable to MSME, आपको कुछ खर्चे MSME को पेमेंट करनी थी, अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाता है, कब? अगर रिटर्न एग्रीमेंट है और आपने एज पर एग्रीमेंट पेमेंट कर दी है, बट एग्रीमेंट में डेज देख लेना, मैक्सिमम 45 डेज से ज्यादा ना हो, अगर 45 डेज से ज्यादा है तो 45 लेना, कम है तो फिर वो कम लेना। तो अगर आपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी, या फिर अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था तो विद इन 15 डेज कर दी, फिर तो हम ड्यू बेसिस पर अलाउ कर देंगे। बट अगर आपने ये पेमेंट टाइम से नहीं की है, फिर हम इसको इस साल तो अलाउ नहीं करेंगे, फिर हम तब अलाउ करेंगे जब आपने इसका पेमेंट कर दी हो, ठीक है, 100% अलाउ कर देंगे इस साल, और फिर हम तब अलाउ करेंगे जब आपने इसकी पेमेंट कर दी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। चलिए काम करते हैं, ऑलरेडी इट्स बीन मोर देन आवर, तो काम करते हैं, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करते हैं, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, एंड अगेन ये जितने भी एक दो मैं पार्ट्स और लूंगा PGVP के, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज का लेक्चर, ऑल दो सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट थे, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले लेक्चर थोड़े से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज का और जो अगले एक दो आने वाले, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।